हम सब जानते हैं कि पूजन कार्य में शंख का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूर नाम का महापराक्रमी दैत्य हुआ था। शंखचूर दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की। तप से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी ने वर मांगने के लिए कहा, तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय एक महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। श्रीहरि तथास्तु बोलकर अंतध्यान हो गए। तब दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूर पड़ा। शंखचूर ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने वर मांगने के लिए कहा, तब शंखचूर ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाएं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उसे श्री कृष्ण क्वच दिया। साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूर को धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वे अंत ध्यान हो गए। ब्रह्मा की आज्ञा से तुलसी और शंखचूर का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के घमंड में चूर दैत्यराज शंखचूर ने तीनों लोकों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर विष्णु से मदद मांगी, परंतु उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था। अंतः उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने देवताओं के दुख को दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु ने ब्राह्मण रूप बनाकर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके बाद शंखचूर का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। शिव ने शंखचूर को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। चूंकि शंखचूर विष्णु भक्त था, अंतः लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु शिव ने उसका वध किया था। अंतः शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। इसी वजह से शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और संपूर्ण ज्ञान भंडार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।